Okay, so let's do some exercises. मैंने क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है. फिगर शोज फोर पेयर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. एक दो तीन चार, चार पेयर्स हैं. फॉर विच पेयर इज देयर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस यही लाइन है जिस पे पार्टिकल्स हैं, यही एक्स एक्सिस है जिस लाइन पे पार्टिकल्स हैं. फॉर विच पेयर इज देयर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट विच वी नेट इज इक्वल टू जीरो बिटवीन पार्ट ए बिटवीन द पार्टिकल्स. सो बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स. आपको देखना है कि कहाँ कहाँ नेट पोटेंशियल जो है वो जीरो हो सकता है किसी भी पॉइंट पे बिटवीन द चार्जेस. कोई भी पॉइंट, इज देयर एनी पॉइंट बिटवीन द चार्जेस जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा. इज देयर एनी पॉइंट बिटवीन द चार्जेस जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा. इज देयर एनी पॉइंट बिटवीन द चार्जेस जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा. पार्ट बी में टू द राइट ऑफ द पार्टिकल्स. सो राइट साइड में कोई पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा. राइट साइड में कोई पॉइंट जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा. राइट साइड में कोई पॉइंट जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा. राइट साइड में कोई पॉइंट जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा. फॉर ईच पेयर आर देयर ऑफ एक्सिस पॉइंट्स अदर देन एट इन्फिनिटी वेयर वी नेट इज जीरो. सो एक्स एक्सिस के बगैर कोई पॉइंट तो नहीं है जहां पर पोटेंशियल जीरो जीरो होगा इन्फिनिटी के बगैर, क्योंकि इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी जो है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है और रेफरेंस पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल जीरो है तो टोटल पोटेंशियल ऑब्वियसली जीरो होगा. रेफरेंस पॉइंट पे हम पोटेंशियल डिफाइन ही करते हैं इक्वल टू जीरो. सो पहले पार्ट ए देखते हैं, इन बिटवीन द चार्जेस. ओके, इन बिटवीन द चार्जेस याद करें, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर. पॉजिटिव चार्ज के वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज के वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होता है. अब नेट पोटेंशियल जीरो बनने के लिए जरूरी होगा कि दो में से एक पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो. अगर दोनों पोटेंशियल्स पॉजिटिव हुए, इसका भी पॉजिटिव, दोनों चार्जेस का पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ तो सम करके जीरो तो नहीं होना है. अगर दोनों का नेगेटिव हुआ तो सम करके जीरो तो नहीं होना है. सो एक का पॉजिटिव होना, दूसरे का नेगेटिव होना जरूरी है और उनका वैल्यू भी सेम होना जरूरी है. ओके, उनका वैल्यू भी सेम होना. सो वी इन ऑल द फोर केसेस इज वी वन प्लस वी टू. एक तो ये दो अपोजिट साइन के होने चाहिए, दूसरा दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए. अपोजिट साइन के लिए हम सिंपल सा रूल यूज करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है. और वैल्यू सेम होने के लिए यहां से देखें कि पोटेंशियल जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. तो चार्ज वैल्यू ज्यादा होना पोटेंशियल को ज्यादा बना देगा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होना पोटेंशियल को कम कर देगा. चार्ज वैल्यू कम होना पोटेंशियल को कम कर देगा, डिस्टेंस कम होना पोटेंशियल को ज्यादा कर देगा. ओके, अब जरा एक एक करके देख लें. पहले थ्री और फोर को देख लें. थ्री और फोर में क्या है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो दोनों पोटेंशियल्स पॉजिटिव होंगे तो नेट जीरो होने का कोई चांस नहीं है. यहां पर दोनों नेगेटिव है तो दोनों पोटेंशियल्स नेगेटिव होंगे तो नेट जीरो होने का कोई चांस ही नहीं है. तो थ्री और फोर तो चले गए. अब वन और टू को देख लें. वन और टू में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो है. अब अगर हम मिड पॉइंट लेंगे यानी कि दोनों की डिस्टेंस सेम, तो डिस्टेंस वाला इफेक्ट दोनों में सेम आएगा. जिसका जिसकी चार्ज वैल्यू ज्यादा है उसी का पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा, तो सिक्स क्यू का पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा तो बराबर नहीं होंगे. तो अब हमें क्या करना होगा, वी विल गो क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज. स्मॉलर चार्ज के नजदीक जाने से, स्मॉलर चार्ज के नजदीक जाने से उसकी डिस्टेंस कम होगी. डिस्टेंस कम होने की वजह से उसका पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा. लेट सपोज कोई पॉइंट यहां पर लेते हैं. चार्ज का इफेक्ट क्या होगा, चार्ज का इफेक्ट होगा कि इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि इसके चार्ज वैल्यू ज्यादा है. सिर्फ वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव की अभी बात मैं नहीं कर रहा हूं. सो चार्ज वैल्यू इसका ज्यादा है तो चार्ज वैल्यू इसके पोटेंशियल को ज्यादा बना देगा, लेकिन डिस्टेंस इसकी कम है
तो डिस्टेंस वाला इफेक्ट, डिस्टेंस जहां कम होगी उसी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो डिस्टेंस वाला इफेक्ट इसके चार पोटेंशियल के वैल्यू को ज्यादा बना देगा, वैल्यू को, पॉजिटिव नेगेटिव मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं। सो कोई पॉइंट जो क्लोजर होगा टू द स्मॉलर चार्ज, वहां पर पॉसिबिलिटी अराइज होती है कि दोनों पोटेंशियल्स का वैल्यू सेम होगा, और एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो पहले से ही है, तो पोटेंशियल जीरो होना पॉसिबल है। सो पार्ट ए में, सिचुएशन वन में पोटेंशियल जीरो होना पॉसिबल है, सिचुएशन टू में भी एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, एंड क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज समवेयर जहां पर दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो वन और टू में इट इज पॉसिबल कि पोटेंशियल इन बिटवीन द चार्जेस जीरो होगा। थ्री और फोर में तो जीरो होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि थ्री में दोनों पोटेंशियल्स पॉजिटिव हैं, तो सम जीरो नहीं आएगा। फोर में दोनों पोटेंशियल्स नेगेटिव हैं, तो अगेन सम जीरो नहीं आएगा। पार्ट बी, टू द राइट ऑफ द पार्टिकल्स, यहां यहां पर कोई पॉइंट, इज देयर अ पॉइंट टू द राइट ऑफ द पार्टिकल्स जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। अब राइट साइड में आप कोई भी पॉइंट ले लें दैट इज क्लोजर टू द बिगर चार्ज, इसके नजदीक आ रहा है, तो होगा क्या, चार्ज वाला इफेक्ट जो है वो इसका पोटेंशियल ज्यादा बना देगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, चार्ज वैल्यू इसका ज्यादा है तो पोटेंशियल वैल्यू इसी का ज्यादा बन जाएगा चार्ज वाला इफेक्ट होने की वजह से। डिस्टेंस वाला इफेक्ट, डिस्टेंस जहां कम होगी वहीं पोटेंशियल ज्यादा है, और डिस्टेंस कम इसी वाले केस में है, तो डिस्टेंस वाला इफेक्ट भी इसी के पोटेंशियल के वैल्यू को ज्यादा बना देगा। तो चार्ज इफेक्ट और डिस्टेंस वाला इफेक्ट, दोनों इफेक्ट जो है वो इसी के पोटेंशियल को ज्यादा बना रहे हैं, पोटेंशियल के वैल्यू को ज्यादा बना रहे हैं, तो बराबर होने का कोई चांस नहीं है। दोनों इफेक्ट्स इसको ज्यादा बना रहे हैं तो बराबर कहां से आएंगे, तो पहले वाले केस में तो नहीं होगा, दूसरे वाले केस में भी नहीं होगा, क्योंकि अगेन यू आर, जो भी पॉइंट आप लेंगे राइट साइड में, यू आर क्लोजर टू द बिगर चार्ज, तो चार्ज वाला इफेक्ट भी इसी के पोटेंशियल को ज्यादा बना देगा, पोटेंशियल वैल्यू को ज्यादा बना देगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा है तो पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा, और डिस्टेंस वाला इफेक्ट भी इसी के पोटेंशियल को ज्यादा बना देगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो टू में भी पॉसिबल नहीं है, थ्री और फोर में तो पहले ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों पोटेंशियल पॉजिटिव है, यहां पर दोनों पोटेंशियल नेगेटिव है। सो बी केस में नन, कोई नहीं। सी, फॉर ईच पेयर इज देयर ऑफ एक्सिस पॉइंट अदर देन इन्फिनिटी वेयर वी नेट इज जीरो। सेम आर्ग्यूमेंट फिर से, कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो लेकिन एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो यहां पर जीरो होना पॉसिबल है, यहां पर भी जीरो होना पॉसिबल है, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं। सो वन और टू में पॉसिबल है, और थ्री और फोर में पॉसिबल नहीं है। वन और टू में यस, और थ्री और फोर में नो।